ठीक है, आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अब इसमें मैं कुछ भी सॉल्व नहीं करूंगा, सब तुम्हें ही करना है। जितनी जल्दी जवाब दे दोगे उतनी जल्दी हो जाएगा। तो अपने पास एक डिस्क है, डिस्क पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। और रेडियस चार्ज वगैरह जो मानना है मान लेना। डिस्क की एक्सिस पे कोई पी पॉइंट है जो कि कितना एंगल बना रहा है? थीटा ना। और रेडियस वगैरह जो तुम्हें मानना है मान लो, डिस्टेंस एक्स मान लो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी निकालो। इसमें एलिमेंट क्या मानोगे? हाँ, रिंग है ना, क्योंकि रिंग वाला फॉर्मूला ऑलरेडी है। अब रिंग को इंटीग्रेट करके हम डिस्क बनाएंगे। तो अभी फिर से बहुत सारे इंटीग्रेशन करने वाले, तो रिवीजन करके आओ इंटीग्रेशन का जो हमने करे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास के टाइम पे। ठीक है, देखो यहाँ पे रिंग मान लो भाई, कितनी रेडियस बननी है? मान लो आर रेडियस की है, और विड्थ कितनी है इसकी? आर रेडियस है और विड्थ है इसकी डी आर। तो इस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? टू पाई आर डी आर। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा डी ए होता है, तो आ जाएगा सिग्मा टू पाई आर डी आर, ये चार्ज होगा इस पे। इस रिंग के कारण जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी है ना, इस रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी छोटी सी, वो कितनी होगी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग के क्यू, इसका क्यू कितना है? डी क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू है ना। ये रिंग की रेडियस होती है ना, इस समय रिंग की रेडियस आर है, ये तो डिस्क की रेडियस है। देखो मैंने एक रिंग मानी और रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकाला था उसको यूज करा। देखो अब यहां पे क्या बन रहा है, ये के को क्या लिख सकते हो तुम? वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। और डी क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा टू पाई आर डी आर एक्स, और ये आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो क्या आ गया भाई? 2 पाई से ये गया तो 2 बचा। तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है निकल के सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू आर इंटू डी आर वाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब x के टर्म में तो इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, तो किसके टर्म में करें? मतलब r के टर्म में करना मुश्किल है ना, r वेरिएबल अपना, तो r को किस में? थीटा में कन्वर्ट करते हैं। थीटा तो चलो खैर अपन ने डिफाइन कर दिया, फाई, कोई भी फाई एंगल मान लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करना है तुम्हें बस। अब तो क्या माने बताओ? r को क्या मान सकते हैं? x tan phi, देखो इससे मेरे ख्याल से काम हो जाएगा इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन। तो आर को एक्स टेन फाइव मान लेते हैं। तो देखो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, आर को एक्स टेन फाइव मानोगे तो है ना, हाँ उससे काम हो जाएगा अपना। तो डी आर क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्स कॉन्स्टेंट है, याद रखना एक्स इज ए कॉन्स्टेंट। तुम्हारा वेरिएबल सिर्फ आर है, थीटा भी कॉन्स्टेंट है, एक्स भी कॉन्स्टेंट है। तुम रिंग को इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो ये आर वेरिएबल है, इस आर को तुम जीरो से ए तक रखोगे। समझ में आ रही है बात? और हम इस टर्म में, आर के टर्म में डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको किसी फाई टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आर इज इक्वल टू माना अपन ने एक्स टेन फाई, तो डी आर कितना हो गया? एक्स इंटू सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है चलो,
लिमिट डिसाइड करो, लिमिट क्या होगी, आर की लिमिट क्या है भाई, आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू ए तक। तो जब आर जीरो होगा उस समय फाई कितना हो जाएगा अपना, क्योंकि अब हमको लिमिट फाई के टर्म में रखनी पड़ेगी, हम अपना इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज कर रहे हैं इंटीग्रेशन को आसान करने के लिए। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरी मैथ्स है ना, इसको मैथ्स में आगे जाके पढ़ोगे। तो आर को जीरो रखेंगे तो फाई क्या हो जाएगा, जीरो। आर को अगर ए रख देंगे तो फाई कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई एक्स, ठीक है। चलो अब देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है तुम्हारा, आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर करो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा तुम्हें, तो क्या बन गया ये तुम्हारा, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। तो रीजन था मैंने क्यों आर को कॉस की जगह टेन रखा, क्योंकि मुझे पता था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो मुझे वो फॉर्मेट बनाना था। अगर ये मान लो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो आर को कॉस थीटा या साइन थीटा रखता कुछ एक, प्लस था इसलिए मैंने टेन रखा, क्योंकि मुझे पता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो बताओ तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और एक्स भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा आर डी आर, आर की जगह पे रखेंगे एक्स टेन फाई, डी आर की जगह पे रखेंगे एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स क्यूब सेक क्यूब फाई। देखो सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, उन सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या क्या कट रहा है भाई, ये कट गया सेक स्क्वायर फाई से एक, ये कट गया, ठीक है। और लिमिट क्या है बताओ, आर के टर्म में लिमिट थी जीरो से ए तक, यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से टेन इनवर्स ए वाई एक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तुम्हारी सिग्मा एक्स वाई टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ रही है टेन फाई वाई सेक फाई, टेन फाई को लिखेंगे साइन वाई कॉस, है ना, कॉस और सेक कट गए, तो क्या बच रहा है तुम्हारा इंटीग्रेंट साइन फाई डी फाई, इसलिए अपन ने सब्स्टिट्यूट करा था टेन इनवर्स ए वाई एक्स। सोचे इस फॉर्मेट में तुम्हारे इंटीग्रेशन करने में कर ही नहीं पाओगे इस फॉर्मेट में, और ये फॉर्म दिखने में इतना डिफिकल्ट लग रहा है, पर जब इसको हमने सब्स्टिट्यूट करा तो इतना सिंपल बन गया, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा डी थीटा। अभी सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया ना, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, है ना, तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा भाई तुम्हारे, ये कॉस है ना, कॉस फाई, और लिमिट क्या रखेंगे, जीरो से टेन इनवर्स ए वाई एक्स तक। तो बचाओ जब टेन फाई ए वाई एक्स होगा उस समय कॉस फाई कितना होगा, अगर टेन फाई ए वाई एक्स है तो कॉस फाई कितना होगा, मैं ये भी मिटा रहा हूँ, लिख लिया है ना, देखो जल्दी लिखो, 30 सेकंड का टाइम है, पूरा लिखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी माइनस सिग्मा एक्स वाई टू एप्सिलॉन नॉट टेन फाई ए वाई एक्स, है ना, कॉस फाई कितना हो जाएगा एक्स वाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो यही होगा ना, है ना, और माइनस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तुम्हारी सिग्मा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस, और एक्स वाई देखो क्या बन रहा है, ये एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है तुम्हारा, ये अब ये एक्स गड़बड़ आ गया है भाई, जल्दी देखो कहाँ कटने वाला है ये एक्स, अच्छा नीचे का एक्स एक्स छोड़ दिया था, समझ रहे हो, ये एक एक्स छोड़ दिया था ना, ये बाहर निकाल दो ये एक्स को, तो एक्स एक्स कट गया, वन माइनस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को याद रखना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट डिस्क क्या हो जाएगी, ड्यू टू इन्फिनाइट
ड्यू टू इन्फाइनाइट डिस्क या फिर इन्फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज क्या होगी बताओ। डिस्क को इन्फिनिटी कर दें मतलब आर को क्या कर दें इन्फिनिटी, आर को इन्फिनिटी कर दोगे थीटा कितना हो जाएगा पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू कितना होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। अभी तुम देखो डिस्क को इन्फाइनाइट करो थीटा कहाँ जाने लगेगा, नहीं जा रहा क्या पाई बाई टू पे, डिस्क की रेडियस बढ़ाओ ना। अरे ये देखो यही तो है भाई, यही तो है तुम्हारा कॉस थीटा, ए को इन्फिनिटी करो, ए को इन्फिनिटी करो तो कॉस थीटा कितना हो रहा है ज़ीरो। आ रहा है समझ में, एज आर टेंड्स टू आर मतलब ए, ए टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस थीटा टेंड्स टू ज़ीरो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है सिग्मा पाए टू एफ सोलो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। अगर तुम अपनी शीट को इन्फाइनाइट कर दोगे तो यहां पर भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगी, यहां पर भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगी, यहां पर भी हर जगह सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि तुमने इन्फाइनाइट डिस्क मान लिया है। तो इन्फिनिटी मतलब तो बस अब उसकी वैल्यू ही कम नहीं होगी। क्या ई वर्सेस एक्स में कैसे आएगी इक्वेशन, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स वाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। बनाओ भाई डिस्क के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ चाहिए तो रखो ना वैल्यू रखा करो, एक्स को जीरो रखो जरा, क्या आ रहा है जीरो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है जब यहां पे रखेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगी, यहां पे रखेंगे तो पीछे आएगी, ठीक है। एक्स को इन्फिनिटी करो जरा भाई, ठीक है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी बताओ भाई क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे क्या करो भाई एक्स से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे तो क्या बन जाएगा ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वन माइनस वन वाई रूट ऑफ ए स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो यही बन रहा है, ऊपर नीचे मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया, लिमिट बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया गया तुम लोगों को, बेसिक भी नहीं पढ़ाया गया। अच्छा बता दो क्या बोला, कौन था वो क्या बोल रहे बताओ, बोल रहे थे ना कुछ, फिर से बताओ कैसे बोला था बताओ तो। अच्छा तो करके बताओ ना कैसे करा था, ठीक है बैठो। तो देखो अब यहाँ पे ऐसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा था तो एक्स से डिवाइड कर दिया मैंने ना, तब इससे सॉल्व हो जाएगा, एक्स को इन्फिनिटी करो तो ये वाला टर्म क्या हो गया ज़ीरो, तो ये वन माइनस वन आ गया कितना होता है, तो कितना हो गया तुम्हारा ज़ीरो। तो जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी को जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जाएगी ज़ीरो पे, तो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, बना लो याद रखना x इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है, क्यों नहीं है भाई x इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड, क्योंकि x इक्वल टू पे x इक्वल टू जीरो पे जो चार्ज है उसको छोड़ के सराउंडिंग में जितने भी चार्ज हैं उन सबके कारण तो जीरो होगी, समझ रहे हो ना, बाकी सारे तो रिंग की तरह है ना रिंग के फॉर्मेट में। पता नहीं कितना समझ में आता है तुमको यार, समझ में आ रही है, बाकी सराउंडिंग के चार्ज के कारण जीरो की सिमेट्रिक है, वहां पे सब रेडियली इन्वर्ट कर रहे होंगे, सब कैंसिल आउट कर जाएंगे, और x इक्वल टू जीरो पे जो चार्ज है उसके कारण उस पोजीशन पे डिफाइन नहीं कर सकते, जस्ट बाहर, जैसे ही हल्का सा बाहर जाओगे कितनी हो जाएगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, राइट हैंड साइड जाओगे तो इस तरफ होगी, लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो इस तरफ होगी, ठीक है।